रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सी। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास कर उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं या फिर कुछ फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और अभी तक उनको नहीं पता कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो उनके लिए आज मैं एक स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे STSI कहा जाता है। उसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अप्लाई मेथड है, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है और टेस्ट कैसा होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मौके की मुनासिबत पे मिलती है। और आपको यह भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के हवाले से या कोई आपको रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करवाना हो या जॉब कोई अपॉर्चुनिटी हासिल करनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे होम अप्लाई की सर्विस को यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपको सेटिस्फेक्शन वाली इंफॉर्मेशन और सेटिस्फेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इजीली कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप आपको मैंने बताई उसमें अप्लाई कैसे करना है। आप सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते सिर्फ आपने लिखना है STSI। सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, सिंध लैपटॉप स्कॉलरशिप जो है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक लैपटॉप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या आप जस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। सिंध लैपटॉप स्कॉलरशिप फेज वन सेशन 2021-2022 लास्ट डेट 18th ऑफ द सिंध के लिए है और जो पंजाब के लिए है वो अभी यहाँ पे आपने पंजाब पर सर्च कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 28 days 9 hours 39 minutes 50 seconds रिमेनिंग है और अप्लाई करने में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने ऐड अवेलेबल है, ऐड अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट करेंगे। आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ शेयर किया जा रहा है, आपको बताया भी गया है कि इसके अंदर क्या है और कैसे क्या है। रिसेंट जो हुआ था वो ये बात हुई थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को ये हुआ था कि टेस्ट नहीं हुआ था, उन लोगों का जस्ट इंटरव्यू हुआ था। डिफरेंट एरियाज के अंदर एक सेटअप बना दिया गया था क्योंकि लोगों ने इतना अप्लाई नहीं किया था और कोरोना की वायरस की वजह से लोगों ने फिर उन लोगों ने टेस्ट कंडक्ट नहीं किया और इंटरव्यू कंडक्ट किया। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना। सिंपली आपने यहाँ पे बैंक चलान ले लेना, एक यहाँ HBL ले लें, ठीक है, HBL बैंक का चलान डाउनलोड कर लें या आप दूसरा का जो साथ में ये जो MCB का बैंक है इसका चलान डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ और सिंपली इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आकर मैं बता देता हूँ इसको क्या करना है। आपने यहाँ पे आके आपने सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपको ओपन होता है तो बता देता हूँ, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आके अपना नेम दे देना है, ठीक है, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, CNIC नंबर और 395 रुपये आपने इनको पे करने हैं। यहाँ पे आपने मेंशन करना है आपने अप्लाइड फॉर द कैटेगरीज, आपने लैपटॉप के लिए अप्लाई किया है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, आपने ये बात यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपने तीनों में अपना नाम और इसी तरह आपने इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करनी है और आपने HBL बैंक में जाकर सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब बात आती है कि अब अप्लाई तो कर लिया है, अब हमने करना है क्या है, अब ये बैंक चलान पे कर दिया है तो अब आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे आ जाना है और नीचे आता है यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अप्लाई पे क्लिक करना। 25 अप्रैल से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आके आपने जब उनकी वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आके आपने एक तस्वीर अपनी चूज़ करनी है प्यारी सी, उसके बाद अपना CNIC नंबर, स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट नेम आपने मतलब जो भी उनका वो RD सेंट है, सिलेक्ट कैटेगरी आपने लैपटॉप के लिए अप्लाई किया या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद सिलेक्ट क्लास, आप कौन सी क्लास से 8th 9th 10th 11th 12th जो भी क्लास आपकी आप व्हाटएवर वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद इंटर नेम, फुल नेम, इंटर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सिलेक्ट प्रोविंस वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आते जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे इजीली ऐड अप कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चलान की जो पिक आपने चलान जो पे किया हुआ है उसको यहाँ पे अपडेट करना है। और आपको ये बता दूँ जो पिक होनी चाहिए उसका साइज 150 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, और एक्सटेंशन उसकी .jpg में होनी चाहिए ताकि ईजिली वो अपलोड हो जाए। अगर अपलोड नहीं हो रहा तो आप इजिली गूगल पे जाके यहाँ पे रिड्यूस फाइल साइज पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। आप रिड्यूस फाइल साइज पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इजिली रिड्यूस इमेज साइज पे जाएंगे तो आप इजिली यहाँ पे तस्वीर अपलोड करके यहाँ पे आके तस्वीर रिमूव अपलोड यहाँ पे करेंगे और यहाँ से आप उसका साइज जो है रिड्यूस कर लेंगे। होप सो कि ये आपको प्रॉपर मेथड समझ आ चुका होगा और इस तरह की अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।